बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ोबिया आरिफ, आप देख रहे हैं जी फूड सीक्रेट्स। और आज की रेसिपी में बनाने लगी हूँ मैं आप सबके लिए एक बहुत ही यमी और मज़ेदार टेस्टी सी ब्रेकफास्ट रेसिपी। ये आप देख सकते हैं मैंने जिसके लिए ब्रेड रखी हुई है। ब्रेड के दो स्लाइस लिए थे मैंने, जिनको मैंने छोटे पीस में काट के रखा हुआ है। ब्रेड में 3 से 4 खाने के चम्मच दूध ऐड करूंगी। ब्रेड को मैं 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दूंगी ताकि दूध इसमें अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। एक बाउल ले लिया है, इसमें मैं 3 से 4 खाने के चम्मच बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर लूंगी। 2 अदद बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च और 2 टेबलस्पून सब्ज धनिया बारीक कटा हुआ। अब इसमें 2 अदद अंडे ऐड करूंगी, अंडे मैंने तोड़ के रखे हुए थे। अब इसमें कुछ स्पाइसी मसाले ऐड करूंगी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटा हुआ हुशक धनिया, 1/2 टीस्पून जीरा। अब इन तमाम चीज़ों को अंडों में मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब इसमें ब्रेड शामिल कर लूंगी जो मैंने दूध में भिगो कर रखी हुई थी। अब ब्रेड को इस मिक्सचर में मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। ब्रेड को अच्छी तरह से मिक्स करके इसका बैटर बना लेना है। आज बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा ब्रेकफास्ट बनने लगा है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये रेसिपी भी जरूर पसंद आएगी। और जो लोग चैनल पर नए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब तमाम चीज़ों को मिक्स करके मैंने इसका बैटर बना लिया है, ये आप देख सकते हैं। एक पैन मैंने चूल्हे पर रखा हुआ था, अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल लूँगी। और ऑयल को अच्छी तरह से फैला लेना है फ्राई पैन में। अब इसमें अंडे और ब्रेड का बैटर डाल लूंगी। इस बैटर को मैं पैन में अच्छी तरह से फैला लूंगी ऐसे चम्मच के साथ ताकि इसकी अच्छे से शेप बन जाए। ये आप देख सकते हैं बैटर को मैंने पैन में अच्छे से फैला लिया है और एक रोटी की शक्ल में मैंने इसको बना लिया है। एक साइड से इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लूंगी। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आज की रेसिपी भी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल के सब्सक्राइब बटन पर भी क्लिक कर लें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली मेरी वीडियोस भी आप तक पर वक्त पहुँचते रहेंगे। ये तो एक साइड से फ्राई हो गया, अब इसको मैं पलट लेती हूँ, इसकी साइड चेंज कर लूँगी। और अब इस साइड से भी 1 से 2 मिनट तक फ्राई करूंगी। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ब्रेकफास्ट ऑमलेट रेडी है, अब इसको मैं पैन से निकाल लूंगी। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ब्रेकफास्ट ऑमलेट बिल्कुल रेडी है, ये आप देख सकते हैं। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त, कितना यमी और टेस्टी लग रहा है। तो यही थी मेरी आज की बहुत ही आसान सी रेसिपी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रेसिपी भी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल के सब्सक्राइब बटन पर भी क्लिक कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि मेरे नई आने वाली हर वीडियो बार वक्त आप तक पहुँचती रहे। और अब ज़्यादा चाहूँगी मैं आप सबसे अपने नेक्स्ट वीडियो तक। अपना बहुत सहारा रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।